हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्री मेहुली। मैं मेहुली आज आपके लिए लाई हूँ एक इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी। रेसिपी क्या है डिटेल्स मैं आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है साबूदाना बड़ा की रेसिपी। ये एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये व्रत में भी लिया जाता है। अगर व्रत में आप लेते हो तो क्या क्या आपको चेंजेस करना है वो भी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए साबूदाना बड़ा की रेसिपी चेक कर लेते हैं। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है साबूदाना। इसको अभी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी से, जब तक ना वो व्हाइटिश जो पानी निकल के आता है वो निकल जाए पूरा। इसको अच्छे से ऐसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखिए मैंने वॉश करके इसमें पानी डाल दिया है। ज्यादा पानी मत डालिए, जस्ट ये सोख जाए बस इतना सा ही पानी चाहिए होगा। तो इसको 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। 2 घंटे के बाद ये देखिए पानी लगभग सूख चुका है, फिर भी थोड़ा बहुत है। तो इसको अभी स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। पंद्रह मिनट के बाद ये देखिए पानी निकल चुका है पूरा। अभी इसको 4 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये एकदम खिला खिला बन जाए। 4 घंटे के बाद ये मैंने निकाल के ले रख दिया है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो पूरा ये टूट रहा है। अभी इसको बड़ा बनाएंगे इसका। तो इसमें मसाला ऐड करेंगे, पहले डाल देंगे हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, अदरक, उसके बाद डालेंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। मिक्स कर लेंगे इन सबको। अभी ऐड कर देंगे ये रोस्टेड पीनट्स है, मैंने इसका हल्का सा क्रश कर लिया है। तो पीनट्स ऐड करने से जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है साबूदाना में वो पीनट्स एब्सॉर्ब कर लेगा, तो इसीलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अभी मैं एक ड्राई रोस्टेड पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें धनिया और जीरा का मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, फिर उसका पाउडर मैंने बना लिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको मैंने ऐड कर दिया है। अभी ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर और डाल देंगे सेंधा नमक। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हो तो आप सेंधा नमक यूज कीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे साबूदाने में। अभी हमको ये इसका बाइंडिंग फॉर्म चाहिए, तो इसीलिए बाइंडिंग के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 उबला हुआ बॉइल्ड। तो इसके साथ अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक ना एक डो शेप में ये आ जाए। और इसको अच्छे से आप हाथों से ऐसे मिक्स कर लीजिए। ये एक बहुत ही टेस्टी और यम्मी डिश बनता है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। ज़्यादा कुछ मसाला इसमें ऐड नहीं होता है। ज़रूर इस रेसिपी को आप एक बार घर पे ट्राई करके देखिए। लगभग आप देख पा रहे हो कि ये डो फॉर्म में आ रहा है। तो अभी हम इसका छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। ये देखिए ऐसे बॉल बना लेंगे हम। देखिए मैंने बॉल्स को बना लिया है। अभी मैंने हाथों पे ग्रीस कर लिया है, अच्छे से ऑयल मैंने लगा लिया है। उसके बाद इसको बड़ा शेप डालेंगे। तो हाथ में बीच में रख के पहले रोल करेंगे, फिर उसके बाद हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और सेम प्रोसेस पे बाकी के बड़े को भी बनाएंगे। देखिए साइड में ये एकदम पतला होगा, बीच में थोड़ा मोटा। पहले इसे हाथों में डाल के इसको प्रेस करेंगे, फिर साइड में इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए सेम प्रोसेस में बाकी के बराबर बना लेंगे। बन के रेडी हो चुका है। अभी इसको डीप फ्राई करना है। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो। ऑयल को पहले चेक कर लेंगे। देखिए ऊपर आ रहा है, तो मीडियम फ्लेम रखते हुए अभी हम बड़ा को फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई करने में लगभग 5 मिनट लग जाएगा। एक बार में ज़्यादा मत डालिए।
आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन शैलो फ्राई से आपको इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं मिलेगा जितना डीप फ्राई में मिलता है। ऊपर से तेल छिड़क देंगे इसमें और इसको अभी थोड़ा सा चला लेंगे। गैस को एकदम भी लो मत कीजिएगा, नहीं तो ये पूरा ऑयल एब्सॉर्ब कर लेगा। तो मीडियम रखते हुए गैस को इसको ऐसे चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। हाई भी मत कीजिए, हाई करने से आपको बाहर का पोर्शन तो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से ये पकेगा नहीं। लगभग 3 मिनट हो चुका है, मैं इसको और एक बार पलट दे रही हूँ और ऐसे ही पलट पलट के मैं इसको फ्राई कर लूँगी अंटिल इसका एक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। देखिए अभी कलर आना शुरू हो चुका है। ये बहुत ही कम मसालों से एक बहुत टेस्टी और यम्मी डिश बनता है, जरूर इसको ट्राई करके देखिए अपने घरों पे, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है। हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये लगभग हो चुका है अभी, और एक बार पलट देंगे, कलर भी आ चुका है। ये देखिए अभी इसको हम निकाल लेंगे। आप इसमें ऑनियंस भी ऐड कर सकते हो चॉप किया हुआ, उससे भी एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसको टिश्यू में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल के चला जाए। सेम प्रोसेस में बाकी को फ्राई कर लेंगे। बनके रेडी हो चुका है साबूदाना बड़ा, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी है। देखिए आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। थैंक यू।